Hi, this is Vishnudeva. You're watching Movie Hadda. हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहके एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा. वेल, फिलहाल मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने रामलीला से लेकर दबंग से लेकर केसरी से लेकर आर राजकुमार तक हर किसी को अपने इशारों पर नचाया है. वेल, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. मेरे साथ है मिस्टर कोरियोग्राफर विष्णुदेवा. हेलो सर, वेलकम टू मूवीज अड्डा. सर, आपने बॉलीवुड में तो सभी को नचाया है, टॉलीवुड में भी नचाया है, अब आप हॉलीवुड में भी जा रहे हैं, आपकी फिल्म आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम हॉलीवुड फिल्म मैंने जो कर रहा हूँ, एक्चुअली द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ अ फकीर. सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद धनुष बेरेनिस द एक्ट्रेस एंड द केन स्कॉट द डायरेक्टर एंड अदिति द प्रोड्यूसर. द होल क्रू इज वेरी फन एंड लविंग पीपल एंड लाइक इट्स एंजॉय, वी एंजॉय लॉट ऑफ इन द सॉन्ग. अच्छा, धनुष के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब हाउ इज ही टू वर्क विद, हाउ इज ही एज अ डांसर, क्या बताना चाहेंगे? Dhanush actually is a very silent person, and working with him, it's actually is a director actor. So whatever we say, and he'll do immediately and very fast, and is very dedicated, very hard worker, and it's love to work with him. Actually, again, I have to love to work with him in the future. Okay, yeah. It is a Hollywood film, but जो song है, that is a whole Bollywood song, right? तो क्या preparations की आपने? कुछ different था कि वहाँ पे shoot हो रहा है या Hollywood का shoot है या Bollywood में जब आप shoot करते हैं, any difference you find? Actually, there's no much different from Bollywood and Hollywood. Actually, मैंने जो जितना मैंने जो किया है इसने, actually उधर भी जैसा हम लोग ने जो काम करते हैं वैसे ही उधर भी काम करते हैं. So, जब भी the crew, total crew, the DOP से लेके light man से लेके सब लोग, actually there'll be one pre-production, everybody इधर भी है उधर भी है. एक दिन पहले हम लोग क्या करने वाला है सब सबको मालूम पड़ना चाहिए. सो उधर रिहर्सल जैसा रिहर्सल होता है. सो तो रिहर्सल करते सबको क्या करना मालूम पड़ेगा, नेक्स्ट डे शूट ऑन शूट, एवरीबडी नोज वॉट देर डूइंग. सो इट विल बी वेरी ईजी एंड कम्फर्टेबल टू वर्क विद एवरीबडी. अच्छा, जैसे आपने आपको सलमान के साथ भी काम किया है, रणवीर सिंह के भी साथ काम किया है, सो जितनी भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, हु यू फाइंड इज द मोस्ट ईजीएस्ट टू वर्क विद? एक्चुअली एवरीबडी इज ईजीएस्ट टू वर्क विद. एक्चुअली आई डोंट एक्सपेक्ट डिप्लोमेसी, एनी वन आंसर. इट्स नॉट डिप्लोमेसी, एक्चुअली एवरीबडी हैज देयर ओन यूनिक स्टाइल. सो इन दैट वे एवरीबडी आर सुपरस्टार, everybody are the good actors and good dancers in their unique style. So everybody, there is no difficult to work with anybody. It's very easy to work with everybody. Ranveer ke bare mein kya batana chahoge? Ranveer actually is a very fun person, very energetic person. Energy level kam karne ke liye bahut mushkil ho jata hai karne ke liye actually. So each and every take he puts so much energy and 100%. And he's a superb, very good person. अच्छा, Bollywood में usually they say that you know there is one Govinda type of dance. The way Govinda dances is something really different. And there is one Salman Khan type dance. मतलब सलमान अपने ही steps करते हैं and he's very into that chilled zone. तो उनको choreograph करने का experience कैसा था? Actually Salman sir also listen to all the choreographers and क्या उनको एक unique style होता है, हर जो उनका style थोड़ा add करते हैं जो कोरियोग्राफी में, और इट बी कम्फर्टेबल. एंड सी ईच एंड एवरी कोरियोग्राफी शुड बी एट लास्ट छोटे बच्चे से लेके सब लोग करना चाहिए, ऐसा कोरियोग्राफी होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, सब एवरीबडी शुड लव इट एंड एवरीबडी शुड इट्स अ फन, इट शुड बी अ फन, डांसिंग इज अ फन थिंग. सो वी कीप दैट इन माइंड एंड वी कोरियोग्राफी दैट वे. सो ऑन सलमान सर ऑल्सो इट वर्क लाइक द सेम वे. अच्छा, जैसे ऑफ कोर्स यू नो कोई रोमांटिक ट्रैक होता है या कोई डांसिंग नंबर होता है, व्हेन देयर इज अ टिपिकल डांसिंग नंबर तो स्टेप्स फिर भी फॉर अ कोरियोग्राफर इट्स इजी कि दे मेक स्टेप्स, बट व्हेन इट्स अ रोमांटिक नंबर व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इनटू योर माइंड कि स्टेप्स तो ज़्यादा करवा नहीं पाएंगे हम, सो अकॉर्डिंगली व्हाट यू थिंक? एक्चुअली दैट काइंड रोमांटिक ट्रैक में हम लोग एक स्टोरी लेके आते हैं हर सॉन्ग में, एक स्टोरी टोटल व्हाट्स द मूवी मूवी ऑफ द स्टोरी एंड द सॉन्ग में हम लोग क्या बोलने वाले हैं. तो स्टोरी को माइंड में रखें तो वो जो इनपुट है गाने में भी लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं लगे फिल्म अलग है और गाने अलग है. तो इट विल बी लाइक ओके दिस फिल्म द पार्ट ऑफ द सॉन्ग इज पार्ट ऑफ द फिल्म. सो इट विल बी वेरी इट्स विल बी वेरी ग्रेजुअली इट मूव्स नेक्स्ट लेवल.
अच्छा, जितने भी एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, चाहे टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, सो विच इज़ वन एक्टर जिसके साथ या काम नहीं भी किया है, सो विच इज़ योर वन विश लिस्ट एक्टर, दैट बकेट लिस्ट एवरी कोरियोग्राफर हैज और एवरी पर्सन हैज, सो हु इज़ योर बकेट लिस्ट एक्टर दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम और हर? Actually, I want to work with Hrithik Roshan. Is my favorite. It's a great answer. Actually, I worked with Hrithik Roshan as assistant in Lakshya. Wow. Film with Prabhudeva sir. Main aisa kyun? Yeah. So in that, so next I want to choreograph for him. And one, any one actress who you think is the best, one of the best dancers of Bollywood actresses? Priyanka Chopra. Yeah, for, of course, Ram Chalia. So how is she to work with? So wonderful, very much hard worker and a very dedicated person and very sincere on his work. So something I like to work again and in future in power of Priyanka, superb actor. ओके अच्छा, माय वन मोर क्वेश्चन विल बी, आई हैव ऑलवेज दिस थिंग इन माय माइंड कि जो टॉलीवुड के स्टेप्स होते हैं दे आर मच मोर पेपी नंबर्स, मच मोर लाउडर स्टेप्स, यू नो, एंड समवेयर टू बॉलीवुड देर आर मच मोर थोड़ा सा सूदिंग साइड. अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफरेंस? बिकॉज टॉलीवुड में तो इट्स ऑल पेपी पेपी पेपी, इट लुक्स गुड दो, इट लुक्स वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट. सो यू हैव टू से अबाउट द डिफरेंस? That's what I'm saying again. That's no much different in Bollywood, Tollywood, and like Hollywood. Like, okay, for this film, it's totally different. It's a Hindi song, it's okay. But other than that, there's no song in Hollywood. Tollywood and Bollywood, there. So, in Tollywood, see, everybody, every actress, they are dancers, big dancers. If they don't dance, also they learn dance and everybody does. Bollywood, nowadays, each and every actress, doing well, like Varun Dhawan, Tejas Rao, everybody, like they're putting their effort and 100% in every each and every song. So that's not much different in that. As the song requires, the dance will be there. So according to that, each and everybody puts their best in that. So lastly, जाते जाते हमारे viewers से क्या कहना चाहेंगे और साथ ही साथ अपने आने वाले projects के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 21st June ko The Extraordinary Journey of a Fakir is releasing. Please go and watch on theaters and with family, and it will be a fun film. You will enjoy it. Thank you. Thank you so much, sir, for talking to us. Thank you so much.